यस बी क्लास, नेक्स्ट टॉपिक का नाम है साइक्लोट्रॉन। भी साइक्लोट्रॉन क्या होता है? अभी देखिए, आपकी प्लस टू क्लास के अंदर दो टॉपिक ऐसे हैं जो चार्ज पार्टिकल को एक्सेलरेट करने के काम आते हैं, अभी चार्ज पार्टिकल को चलाने के काम आते हैं। एक का नाम है वेंडिग्राफ जनरेटर, जो फर्स्ट यूनिट का टॉपिक है। दूसरा कौन सा है? साइक्लोट्रॉन्स। भी लिख लीजिए क्या होता है। लिखो, इट इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, इट इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस विच कैन एक्सेलरेट द चार्ज पार्टिकल, विच कैन एक्सेलरेट द चार्ज पार्टिकल। चार्ज पार्टिकल को एक्सेलरेट करने के काम आता है। अभी इसको टॉपिक को करेंगे पांच नंबर के अकॉर्डिंग, भी हर एक पॉइंटों में आंसर किए जाएंगे सारे भी। तो किस प्रिंसिपल पे काम करता है? देखिए, अपने दोनों फील्ड पढ़ लिए, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करता है? चार्ज पार्टिकल को एक्सेलरेट करता है, उसकी वेलोसिटी को इंक्रीज करता है। पता है इस बात का? हमारे पास दो प्लेट हैं, एक पॉजिटिव प्लेट है, एक नेगेटिव प्लेट है। एक इलेक्ट्रॉन जा रहा है, या इलेक्ट्रॉन यहाँ पर रख दिया मैंने, मान लेते हैं, या सिर्फ एक पॉजिटिव प्लेट, सिर्फ पॉजिटिव प्लेट है भाई, फील्ड कोई भी हो सकता है। तो किस तरफ भागेगा ये? इट मूविंग टुवर्ड द पॉजिटिव प्लेट। पहले रेस्ट पे था, आप कुछ वेलोसिटी बन गए इसके पास में। इस फील्ड ने क्या किया? इसको एक्सेलरेट कर दिया, अभी चला दिया, कर लोगे। लेकिन जब लगा दिया मैग्नेटिक फील्ड हुई, तो क्या करेगा? ई स्टार्ट टू रोटेट इन द फील्ड, इसकी वेलोसिटी चेंज नहीं होगी। क्या करेगा? ये घूमना शुरू करेगा। अगर एक साथ दोनों लगा दी तो क्या होगा? एक फील्ड क्या करेगा? उसको एक्सेलरेट करेगा, और एक फील्ड क्या करेगा? उसको घुमाएगा। किसके अंदर? सर्कुलर पाथ के अंदर। यानी अगर ये इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन से बाहर भाग जाता था तो आगे तो एक्सेलरेट होता नहीं है। ये क्या करेगा? इसके उसी में घुमाया जाएगा, और ये क्या करेगा? हर बार इसकी वेलोसिटी को इंक्रीज करता जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो हर बार क्या होगा? इसका एनर्जी इंक्रीज करेगा। ये प्रिंसिपल किसका है? साइक्लोट्रॉन्स का। कर पाओगे? लिख लीजिएगा, प्रिंसिपल पे लिखिए। लिखो, इट बेस्ड अपॉन द प्रिंसिपल दैट द एक्सेलरेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सेलरेट द चार्ज पार्टिकल एंड ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड it move in circular path। कौन सी कंडीशन लगाऊंगा फील्ड वाली में? जब उसके क्या होगा? फील्ड है परपेंडिकुलर होगा भाई। हम हमारी अकॉर्डिंग कर रहे हैं सारा काम हम लोग। कर पाओगे? नहीं समझ में आई बात भाई? दो फील्ड हैं, एक फील्ड क्या करेगा? उसको एक्सेलरेट करेगा, एक फील्ड क्या करेगा? उसको घुमाएगा भाई। अब लिखते हैं कंस्ट्रक्शन भी, इसके अंदर होता क्या है कंस्ट्रक्शन, फिर करेंगे वर्किंग, फिर करेंगे लिमिटेशंस भी। तब मैंने कहा पांच नंबर क्वेश्चन ही आपका। कर लोगे? कंस्ट्रक्शन में क्या होता है? देखो भाई, इस डिवाइस के अंदर आप देखोगे, आपको एक अरेंजमेंट मिलेगा भी, डीज बताऊंगा क्या होती हैं। थाली देखिए, थाली, एक थाली लीजिए, उसके ऊपर एक और थाली रख दो उल्टी, तो पूरा क्या हो गया? क्लोज पैकिंग हो गया अभी सर। यस सर, नो, चिपका दो उनको अच्छे से भी, और बीच से काट दो, तो दो डी शेप का अरेंजमेंट बन जाएगा अभी। यस सर, नो, क्या बनेगा? दो डी शेप होलो कंडक्टर भी, होलो के अंदर से टू डी शेप होलो कंडक्टर्स, उसको बोलते हैं डीज भी। तो हम यहाँ पे क्या यूज़ करेंगे? डीज यूज़ करेंगे, दो डीज होंगी। देखो डायग्राम अभी नहीं बनाना आपको, ये थाली कंप्लीट कर दी, ऊपर से चिपकाई हुई हैं, और इनको बीच से कट कर दिया वैसे, ठीक है? तो ये अरेंजमेंट बनेगा, देखिए
और उनको पैरेलल रख दिया गया विद सम स्पेस भी, चिपकाने का थोड़ा जगह जो छोड़ के रख दिया इनको भी, कर लोगे। इन डीज को भी नाम दे देते हैं, D1 है, ये D2 है, DCA पर तो डीज बोला गया इनको, इस तरह का कर लोगे। इनको जोड़ा गया अभी एक डिवाइस के साथ भी, नाम है हाई फ्रिक्वेंसी ऑसिलेटर भी। क्या नाम है इसका? हाई फ्रिक्वेंसी ऑसिलेटर। ये क्या करता है, क्योंकि फील्ड बनाना है, क्या होना चाहिए पॉजिटिव, क्या होना चाहिए नेगेटिव्स भी, ये फील्ड बनाता है भी। एक डीज क्या होगी पॉजिटिव, एक डीज क्या होगी नेगेटिव, फिर इसको चेंज कर देगा फील्ड को। मैंने एक वर्ड यूज़ किया हुआ प्रिंसिपल में, एक्सेलरेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड भी। जो फील्ड बार बार चेंज क्या हो जाए, चेंज हो जाए, उसको यूनिफॉर्म यूज़ नहीं कर रहा मैं, क्या कर रहा हूँ एक्सेलरेटिंग वाला यूज़ कर रहा हूँ, चेंज वाला कर लोगे तो ये काम क्या किसका, इसका। एक बार ये क्या बना देगा इसको पॉजिटिव, एक बार नेगेटिव, फिर उल्टा कर देगा, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, ये काम करेगा, ये कर लोगे। और ये रख दी मैंने ऐसे भी डीज यहाँ पर रखी हुई हैं, इसके ऊपर और नीचे लगा दी दो मैग्नेट्स भी। कहाँ पे? यहाँ पे लगा दिए ये दो मैग्नेट्स, एक नॉर्थ पोल यहाँ पे है, एक साउथ पोल है। ये एक मैग्नेट नहीं है, दो हैं भाई, याद रखिएगा। किसी मैग्नेट का सिंगल पोल एग्जिस्ट नहीं करता अभी, मैग्नेट हमेशा डबल पोल में मिलती है हमेशा। दो मैग्नेट हैं, ये पूरी मैग्नेट है यहाँ पे, ये भी पूरी मैग्नेट है, क्या कर लोगे? अब ये एक डीज रखी गई हैं, दो मैग्नेट, ऐसे फील्ड कैसे आएगा नॉर्थ से साउथ? तो फील्ड क्या होगा इसके, बिल्कुल परपेंडिकुलर होगा भी, यस और नो? ये कौन सा है? मैग्नेटिक फील्ड भी। तो दोनों फील्ड अप्लाई हो गए, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड, ये इसकी कंस्ट्रक्शन है अभी। एनी प्रॉब्लम क्लास? कर पाओगे? ठीक है, एक बार लिखिएगा, उसके बाद डायग्राम बनाना आपको। लिखिए, वी हैव टू डी शेप होलो कंडक्टर। वी हैव टू डी शेप होलो कंडक्टर D1 and D2 कॉल्ड डीज, DEES कॉल्ड डीज, नाम दिया गया इसको डीज भी, हो जाएगा। आर कनेक्टेड विद, ऐसे लगी आर प्लेस्ड विद सम गैप भी, आर प्लेस्ड विद सम गैप। डी शेप का अरेंजमेंट है क्लास, और कुछ गैप में रखे गए हैं अभी, स्मॉल गैप के अंदर, इनके बीच में गैप है अभी। यहाँ पे गैप में क्या रखेंगे हम लोग? चार्ज पार्टिकल, इसको एक्सीलेट करवाना है, कर लोगे? आगे लिखिए, D1 and D2 are connected with हाई फ्रिक्वेंसी ऑसिलेटर। इसको लिखा ब्रैकेट में HF लिख सकते हो, हाई फ्रिक्वेंसी लिखा मैंने सर्विस के लिए, हाई फ्रिक्वेंसी ऑसिलेटर। ओके, ये क्या करेगा क्लास? लिखिए, इसका एक चीज़ और लिखिएगा, इसका फ्रिक्वेंसी कितना होता है अभी? AMC का क्वेश्चन बन सकता है, 10^7 Hz भी। कितने फ्रिक्वेंसी है इसका? 10^7 Hz। ये डिवाइस क्या करता है, इन डीज की पोलैरिटी को 10^7 टाइम चेंज करता है इन 1 सेकेंड के अंदर। 10^7 टाइम चेंज करता है किसके अंदर? 1 सेकेंड में। लिख लीजिए, लिख दिया ना 10^7 में। विच कैन चेंज द पोलैरिटी, ये किसके बारे में बात कर रहा हूँ मैं? HF के बारे में, ठीक है। विच कैन चेंज द पोलैरिटी ऑफ डीज जो डीज की पोलैरिटी को चेंज कर सकता है अभी। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा अभी? कर पाओगे? एक बार पॉजिटिव, एक बार नेगेटिव, ऐसे बनाएगा ये, कर लोगे। आगे लिखिए भी, वी हैव टू मैग्नेट्स, वी हैव टू मैग्नेट्स विच प्रोड्यूस ए मैग्नेटिक फील्ड, विच वी हैव टू मैग्नेट विच प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ डीज। प्लेन क्या होगी? सरफेस को बोला, प्लेन ऑफ ए डीज, ऐसे भी ऐसे रखिए। मैग्नेट की फील्ड क्या होगी उनके? परपेंडिकुलर, ने एक नीचे रख दी, एक ऊपर रख दी उसके। समझ में आया कि नहीं आया? अभी डायग्राम बनाओ।
देखिए वर्किंग के अंदर ये पॉइंट ओ मान लेते हैं अभी, मैंने ओ पे रख दिया एक पॉजिटिव चार्ज, क्या रख दिया मैंने एक पॉजिटिव चार्ज, जिसको हमने क्या करना है एक्सेलरेट करवाना है, कर लोगे। अब उस टाइम मान लेते हैं कि D1 नेगेटिव था और D2 क्या था पॉजिटिव, उस तो होगा वैल्यूज भी, एक पॉजिटिव एक क्या होगा नेगेटिव, सही है। तो ये बताइए मेरे को ये पॉजिटिव चार्ज किस तरफ भागेगा भी, नेगेटिव की तरफ। जब ये भागेगा पहले रेस्ट पे था, कुछ वेलोसिटी बढ़ेगी इसकी, यस और नो, वेलोसिटी क्या करेगी इंक्रीज की, यहाँ वेलोसिटी क्या होगी थोड़ी सी बढ़ गई, पहले से बढ़ गई, यानी चार्ज पार्टिकल क्या हो गया एक्सेलरेट हो गया। अभी जब ये D के अंदर जाएगा, अंदर खाली है D, D1, यस और नो, होलो फील्ड, होलो के अंदर फील्ड कितना होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, फील्ड इनसाइड एनी कंडक्टर इज जीरो, चाहे होलेड होलो हो चाहे सोलिड हो भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड एनी कंडक्टर इज जीरो, तो इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर तो जीरो हो गया भाई, लेकिन अंदर क्या है मैग्नेटिक फील्ड तो है, यस और नो। अब क्योंकि पार्टिकल ऐसे चल रहा है, फील्ड ऐसे लगा रखा है 90 डिग्री पे इसके, तो क्या करेगा ये घूमने की कोशिश करेगा भाई, यस और नो, ये ऐसे घूम रहा है भाई, समझ में आई बात है। अब ये कहाँ पे आ गया वापिस, गैप में आ गया, यस और नो, डी खाली है भाई, ये जरा ऐसे घुमा दिया इसको ऐसे, कहाँ पे आ गया गैप में, उस टाइम एच एफ क्या करेगा अपनी पोलैरिटी को चेंज करा देगा इसकी, ये क्या बन जाएगा नेगेटिव, ये क्या बन जाएगा पॉजिटिव, अभी वापस गैप में आ रहा है, अभी चल रहा है ये नेगेटिव, क्या करेगा और खींच लेगा अपनी तरफ इसको, इसकी वेलोसिटी बढ़ेगी घटेगी, बढ़ेगी, फिर ये इसके अंदर जाएगा डी टू के अंदर, अंदर क्या फील करेगा इलेक्ट्रिक फील्ड तो जीरो है, यस सर ना, फील्ड तो बार बार है ना, और तो इसको क्या कर रहा है बार बार एक्सेलरेट कर रहा है, अंदर फील्ड आते क्या हो गया जीरो, बट ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड किसमें घूमेगा सर्कुलर पाथ में विद ग्रेटर रेडियस, क्योंकि स्पीड बढ़ चुकी है इसकी, यस और नो, फिर वापस गैप में आएगा, गैप में आते ही पोलैरिटी फिर चेंज हो गई है नेगेटिव, ये क्या बन गया पॉजिटिव, फिर काम करेगा, यानी इट स्टार्ट टू रोटेट विद ग्रेटर रेडियस भी इन द डीज भी, यस और नो, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा अभी, हर बार क्या हो रहा है क्लास, हर बार वेलोसिटी बढ़ रही है अभी, यस और नो, हर बार क्या हो रहा है रेडियस बढ़ रहा है, इतना रेडियस बढ़ रहा है उतनी वेलोसिटी क्या कर रही है उसकी इंक्रीज कर रही है, यस और नो, अगर वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है तो कौन सी एनर्जी बढ़ रही है उसकी काइनेटिक एनर्जी, यानी इसकी एनर्जी लगातार क्या हो रही है इंक्रीज हो रही है अभी, तो वी हैव ए हाई एनर्जी पार्टिकल्स भी हो जाएगा। जब इसका रेडियस डीज के लगभग बराबर हो जाएगा तो आपने देखा होगा डीज ऐसी बनी हुई है, खाली रखी ना ऐसे हम लोग ने, कुछ तो ये था कुछ उसका ये था, तो ऐसा अरेंजमेंट है अभी, तो वहाँ पे होल बने हुए हैं, एक उसको बोलते हैं विंडो, उस विंडो को ओपन कर लेते हैं वहाँ से, और वहाँ से पार्टिकल्स क्या हो जाता है बाहर निकल जाता है, क्यों टेंजेंट की तरह जाएगा काम करेगा वहाँ पे, अगर कोई धागे से बांध के पत्थर घुमा रहे हैं धागा टूट जाए तो इट मूविंग द स्ट्रेट लाइंस, वो काम करते हैं बाय यूजिंग स्पार्किंग भी, स्पार्क प्रोड्यूस कर, वर्किंग कर रहे हैं हम लोग, वर्किंग के अंदर देखिए अगर कोई चार्ज पार्टिकल चलता है मैग्नेटिक फील्ड के अंदर भी घूम रहा है ना, तो उस पर कौन सा फोर्स लगेगा अभी, क्यू वी बी साइन कितना एंगल बना रहा है 90 डिग्री का, यस और नो, तो एफ बराबर कितना हो गया क्यू वी बी, इक्वेशन फर्स्ट मान लूं भी, और ये घूम भी रहा है, कौन सा फोर्स लग रहा है सेंट्रीपिटल फोर्स इज इक्वल टू एम वी स्क्वेयर बाई आर, इक्वेशन सेकंड, दोनों ही चार्ज पे लग रहे हैं सेम टाइम पे लग रहे हैं, तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, ये चीज़ें कर चुके हैं सारी पहले, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, मैं लिख सकता हूँ इसको ऐसे, इट इज क्यू वी बी, क्यू वी बी इज इक्वल टू एम वी स्क्वेयर बाई आर, पिछले पहले टॉपिक है मैंने यहाँ से वी निकाला था याद हो तो आपको, आप यहाँ पे आर निकाल सकता हूँ क्या, आर का वैल्यू कितना होगा रेडियस, वी से भी काटें तो क्या बचेगा बताइए, एम वी बाई क्यू बी, सही है कि नहीं है, दिस इज द रेडियस जिसमें सब घूमना है भाई, ये बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही आपको, कुछ अलग नहीं टॉपिक वही है बिल्कुल सेम टॉपिक चल रहे हैं। अब ये देखिएगा मैं कोई क्वेश्चन कर ले
कि चार्ज पार्टिकल डीज में कितना टाइम स्पेंड कर रहा है, अभी किन देर तक डीज में रह रहा हो, तो लिख लीजिए टाइम टेकन बाय पार्टिकल्स पार्टिकल इन डी डीज में कितना टाइम भी। टाइम कैसे निकालोगे भी, फार्मूला क्या होता है स्पीड का भी, डिस्टेंस बाय टाइम, यस और नो? अगर टाइम निकालना हो तो भाई डिस्टेंस बाय स्पीड कर दो। तो एक डीज में डी वन में कितना डिस्टेंस चला हो या डी टू में कितना डिस्टेंस चला है, पूरा चलता तो 2πr होता भाई, लेकिन वो आप चला है तो कितना हो गया πr, यस और नो? कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है πr, किस स्पीड से कर रहा है v मान लेते हैं, यहाँ भी तो कर रहा हूँ v में, यस और नो? कर पाओगे क्या? यहाँ पे आप r का वैल्यू पुट कर सकते हो, रेडियस का निकाला हुआ हम लोगों ने, यस और नो? तो टाइम बराबर है किसका भाई, पाई आर कितना है भाई, एम वी बाई वी इंटू क्यू बी, सही है, वी से वी काट दूँ, टाइम बराबर कितना आया पाई एम बाई क्यू बी, दिस इज द टाइम टेकन बाई द चार्ज पार्टिकल इन डीज वी, यस और नो? तो क्या आएगा पाई एम बाई क्यू बी, एनी प्रॉब्लम क्लास पे? यहाँ से देखिएगा, पाई कॉन्स्टेंट है, मास कांस्टेंट है, चार्ज कांस्टेंट है, फील्ड कांस्टेंट है, एंड टाइम कांस्टेंट होना चाहिए भाई, लिख लीजिए टाइम इज कांस्टेंट भाई। इस बात का मतलब बताइए मेरे को क्या है भाई, टाइम कांस्टेंट है भाई, कौन से में, डी में, डी वन या डी टू, दोनों में कांस्टेंट है। इसका मतलब किस मतलब आ सकते हो भाई, एक 5 मीटर का लेंथ है क्लास, एक 10 मीटर का लेंथ है, एक 15 मीटर का लेंथ है, ये 2 सेकंड में ट्रेल कर रहा है, ये भी 2 सेकंड में, और ये भी 2 सेकंड में, फर्क कैसा, फर्क क्या है, ज़्यादा स्पीड किसकी है, 15 वाले की, यानी जितना बड़ा रेडियस यूज कर रहा हो स्पीड बढ़ रही है उसकी, यानी क्या है, डीज बना रखे हम लोगों ने, पार्टिकल घूम रहा है, मान लेते 2 सेकंड में इसको कहाँ पहुँचना है, यहाँ पहुँचना है, क्योंकि इसको मैंने 2 सेट कर रखा 2 सेकंड के ऊपर भी, 2 सेकंड में क्या कर ले, अपनी पॉलिटिकल चेंज कर देगा, ये कंपलसरी क्या उसके लिए कि 2 सेकंड में कहाँ पहुँचना, उसको गैप में पहुँचना है भाई, यहाँ पे कितना स्पेंड करेगा, 2, बड़े में भी 2 और बड़े में भी 2, तो हर बार टाइम क्या कर रहा है, कांस्टेंट, यानी टी डज नॉट डिपेंड अपॉन द रेडियस ऑफ द सर्कल्स, में लिख दीजिए इस बात को, टाइम डज नॉट डिपेंड अपॉन, टाइम डिपेंड किस पे नहीं कर रहा, रेडियस के ऊपर भी, टाइम डज नॉट डिपेंड अपॉन द रेडियस आर भी, समझ में आई बात भाई, चाहे आप सर्कल बड़ा यूज करो या छोटा यूज करो, टाइम पीरियड वही रहेगा आपका, यानी बड़े सर्कल में वेलोसिटी क्या हो रही है या स्पीड क्या हो रही है, अब इंक्रीज कर रही है उसकी, जितना बड़ा सर्कल घूमेगा उतना इस एनर्जी क्या होगी उसकी, ज़्यादा, ये बात सही है कि नहीं है, क्योंकि वेलोसिटी ज़्यादा है, वेलोसिटी ज़्यादा तो क्या होगा, हाफ एम वी स्क्वायर भी बड़ा होगा उसका, यस और नो? अगर मेरे को निकालना पड़ जाए कि टाइम पीरियड कितना है, व्हाट इज द टाइम पीरियड, टाइम पीरियड क्या होता है कि पूरा चक्कर लगाने में कितना टाइम लगा उसको, अभी पूरा चक्कर कहाँ लगाया, टी यहाँ पे लगा, टी वहाँ पे लगा उसको, तो टी प्लस टी भाई, डी वन डी टू दोनों में पूरा चक्कर लगेगा ऐसे, यस और नो? नहीं समझ में आई, कितना आंसर आएगा, 2t, तो टी बराबर है कितना भी, 2πm/qb, एनी प्रॉब्लम क्लास, दिस इज द टाइम टेकन बाई द पार्टिकल्स टू कंप्लीट 1 rotations वे, हो जाएगा, क्वेश्चन पूछेगा कि पूरा चक्कर मारा कितने टाइम में वापस आएगा, भैया ये टाइम रहेगा, फ्रीक्वेंसी क्या होगी उसकी, फ्रीक्वेंसी म्यू इज इक्वल टू 1 बाई टाइम पीरियड कर सकता हूँ, तो फ्रीक्वेंसी बराबर है किसके भी, qb/2πm, पूछेंगे भैया 1 सेकंड में कितने चक्कर लगाएगा, ये रे भाई चक्करो, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा भाई, कर पाओगे? अरे मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ द चार्ज पार्टिकल भी, तो कैसे निकालेंगे, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ द चार्ज पार्टिकल, मैक्सिमम एनर्जी निकालनी है अभी, मैक्सिमम एनर्जी कब हो सकती है, जब उसकी वेलोसिटी मैक्सिमम हो गई या स्पीड मैक्सिमम हो, और स्पीड मैक्सिमम कब हो सकती है, जब उसका रेडियस मैक्सिमम हो गई,
जितना बड़ा रेडियस घूमेगा उतनी स्पीड क्या होगी उसकी, ज़्यादा होगी। यस आर नो? तो मान लेते हैं भाई कि आर नोट क्या है मेरा मैक्सिमम रेडियस है। अब ऐसा तो नहीं डीज डीज के बाहर घूम रहा होगा ये, तो मैक्सिमम डीज का रेडियस ही है। यस आर नो? और वी नोट क्या है भैया मैक्सिमम वेलोसिटी, वी नोट क्या है मैक्सिमम वेलोसिटी। अगर मैं दोबारा से फार्मूला अप्लाई करता हूँ, कौन सा फार्मूला भाई, क्यू वी बी इज इक्वल टू क्या था एम वी स्क्वेयर बाई आर। इस टर्म में लिखे तो कैसे लिखा जाएगा, एम वी नोट स्क्वेयर बाई आर नोट स्क्वेयर, आर नोट इज इक्वल टू क्यू वी नोट बी वी। अब सारा मैक्सिमम के लिए कर रहे हैं हम आंसर, कर लोगे फार्मूला तो वही है। यस आर नो? आर को यहाँ पे ले जाऊँ तो क्या बना, एम वी नॉट स्क्वेयर इज इक्वल टू क्यू वी नॉट बी आर नॉट बी। इसको टू से डिवाइड करते हैं पर इक्वेशंस को, क्या बनेगा हाफ एम वी नॉट स्क्वेयर इज इक्वल टू वन बाई टू क्यू वी नॉट बी आर नॉट। ये क्या है मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ क्यू वी नॉट आर नॉट बी। एनी प्रॉब्लम क्लास? लिमिटेशंस भी, लिमिटेशन ऑफ साइक्लोट्रॉन भाई। आपने टॉपिक को पढ़ लिया है, साइंटिस्ट बन गए हो, अब कमियां निकालना सीखो भाई। आपके अकॉर्डिंग क्या कमी है इसमें, पहले कमी क्या है भाई, कमियां कौन निकाल सकता है, पढ़ा हुआ भाई है ना। अब बताओ देखें कितना पढ़ा तुम लोगों ने, इसमें थाल यूज करी जान लग रही है ना भाई, कमी है ऐसा ही नहीं है, खाने का खतरा है। अगर मैं यहाँ पर देता हूँ कोई न्यूट्रल पार्टिकल्स भी लाइक न्यूट्रॉन्स भी, क्या उसको एक्साइट कर पाएगा ये? क्यों नहीं कर पाएगा, उसको अट्रैक्ट नहीं कर पाएगा डीज। ये सर नो? ये बात किसने बोला कि न्यूट्रल पार्टिकल को कोई अट्रैक्ट नहीं कर सकता? मैंने बोला था एक चार्ज बॉडी है एक अनचार्ज्ड बॉडी, उनके बीच में अट्रैक्शन होगी रिपल्शन होगी? कुछ नहीं होगी, फर्स्ट यूनिट साफ हो चुकी है भाई। एक बॉडी है न्यूट्रल बॉडी, यहाँ पर रखा है एक चार्ज्ड बॉडी को, यहाँ बन गए इंड्यूस चार्ज भी, क्या होगा अट्रैक्शन की रिपल्शन, अट्रैक्शन होगी भाई। यस आर नो? प्रॉब्लम ये नहीं है, प्रॉब्लम ये यहाँ पर एक नेगेटिव भी है। अब ये इस तरफ भागेगा, ये इस तरफ खींचेगा, दोनों फोर्स सेम है, कहाँ रहेगा वहीं पर हो जाएगा भाई, इसलिए एक्सलेट नहीं कर पाएगा उसको। ये समझ में आया कि नहीं आया? तो पहला पॉइंट तो ये है क्लास से, इट कैन नॉट एक्सलरेट द न्यूट्रल पार्टिकल्स भी, इट कैन नॉट एक्सलरेट द न्यूट्रल पार्टिकल्स लाइक न्यूट्रॉन्स, और भी बहुत होते हैं आपके लिए न्यूट्रॉन्स है सिर्फ, इट कैन नॉट एक्सलरेट द न्यूट्रल पार्टिकल्स लाइक न्यूट्रॉन्स। सेकेंड पॉइंट भी, ये इलेक्ट्रॉन को एक्सीलेटर नहीं कर सकता भाई, अब इलेक्ट्रॉन चार्ज पार्टिकल है भाई, उसको क्यों नहीं कर सकता भाई? इज देखिए यहाँ पे रख दिया इलेक्ट्रॉन्स भी, सब कुछ लगा रखा है, सारा अरेंजमेंट किया हम लोगों ने, इलेक्ट्रॉन रखा हुआ, ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, इलेक्ट्रॉन हल्का भाई, इलेक्ट्रॉन क्या है लाइट है, फोर्स वही है सारे, तो एकदम से क्या करेगा इलेक्ट्रॉन को खींच देगा बाहर निकाल देगा स्टेडियम डी से। एक्सीलेट कब होगा जब ये घूमेगा भाई, ये मास कम की वजह से क्या हो रहा है, ये फील्ड से बाहर भाग गया तो, अरे भाई रुक जा भाई, गुदरा घूमना था यहाँ पे, और कहाँ जाएगा, भाग गया तो वहाँ पे हो ही नहीं सकता अभी। देख लीजिए, इट कैन नॉट एक्सेलरेट इलेक्ट्रॉन बिकॉज इट हैव स्मॉल मास वे या लेस, या क्या लिखोगे, स्मॉल लिखते, इट हैव स्मॉल मास वे या लेस मास, ये सिर्फ ये यूज होता भैया हैवी पार्टिकल्स के लिए लाइक प्रोटॉन्स और अल्फा पार्टिकल्स भी, और वो भी पॉजिटिव होते हैं सारे, सही है कि नहीं है अभी लिखी में लिख दीजिए, इट कैन एक्सेलरेट ओनली हैवी पार्टिकल्स भी, किसको करता सिर्फ ये हैवी पार्टिकल्स को करता है, समझ में आ रहा है थोड़ा बहुत भी। थर्ड पॉइंट क्या हो सकता है अभी आपके अकॉर्डिंग, थर्ड पॉइंट क्या होगा आपके अकॉर्डिंग भाई क्लास? चलो पार्टिकल डाल दिया हम लोगों ने, ये घूम भी रहा है एक्सेलेट भी सारे काम कर रहा है भाई, क्वेश्चन है क्या उसका मास बढ़ेगा पार्टिकल्स का भाई,
उसको घुमाया जा रहा हूँ हर बार स्पीड बढ़ रही है। हो सकता है उसकी स्पीड इक्वलेंट टू स्पीड ऑफ लाइट हो जाए भाई। यस सर ना, क्या स्पीड बढ़ने से मास पे फर्क पड़ता है भाई? एक थ्योरी दी गई थी, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, क्या बोली जाती है, एम बराबर है एम नोट वन माइनस वी स्क्वेयर बाई सी स्क्वेयर भाई। याद है इस थ्योरी का बड़का आइडिया मिलता है प्लस वन प्लस टू क्लासेस के अंदर भी कर लोगे। लिख लीजिए सिंपल थर्ड पॉइंट भी, ड्यू टू इंक्रीजिंग द स्पीड मास ऑफ द चार्ज पार्टिकल इज चेंज्ड भी, मास ऑफ द चार्ज पार्टिकल इज चेंज्ड। ये लिखो फॉर्मूला भाई, एम बराबर है एम नॉट अंडर द रूट वन माइनस वी स्क्वेयर बाई सी स्क्वेयर, वेयर एम नॉट क्या भाई, इसको बोलते हैं रेस्ट मास भी। क्या बोलते हैं इसको, रेस्ट मास। वी क्या है, स्पीड है भाई, स्पीड ऑफ द बॉडी या पार्टिकल्स बोल सकते हो। और सी क्या है, स्पीड ऑफ द लाइट भी। ये थ्योरी का नाम क्या है, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। किसने दी थी, अल्बर्ट आइंस्टाइन ने दी थी ये थ्योरी। उसके हिसाब से मास इज़ नॉट ए कॉन्स्टेंट क्वांटिटी भी, इसलिए फिजिक्स में कंजर्वेशन लॉज में सिर्फ चार लॉ पढ़ाए जाते हैं हमको भी।